जय हिंद वंदे मातरम। आर्मी मेडिकल कोर पूरे इंडियन आर्मी का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण पिलर्स में से एक है। ये वो पिलर है जिसके ऊपर इंडियन आर्मी खड़ा है, इसीलिए इन्हें सेवियर ऑफ वॉरियर्स भी कहा जाता है। आज भारत में कुल मिलाकर 112 आर्मी हॉस्पिटल्स मौजूद है, लेकिन उसमें से एक का नाम आपने जरूर सुना होगा, वह है 92 बेस हॉस्पिटल। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी ऑपरेशन में घायल सोल्जर्स को अगर सांस चलते हुए 92 बेस हॉस्पिटल लाया जा सके तो उसकी जान बच जाती है। तो आज इसी 92 बेस हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे, जिन्होंने लाखों फौजियों की जान बचाई है, उनको नई जिंदगी दी है। इस हॉस्पिटल को बनाया गया था 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त। उस वक्त पर इसका लोकेशन था राउलपिंडी, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। और आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1948 को इसे श्रीनगर में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन उस वक्त पर इसका नाम 92 बेस हॉस्पिटल नहीं था, इसका नाम 92 बेस हॉस्पिटल पड़ा 28 अगस्त 1970 को। उसके बाद इस हॉस्पिटल का मोटो बना टचिंग हर्ट्स एंड सेविंग लाइव्स। आज इस 92 बेस हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, 598 इसमें बेड्स भी मौजूद है और हर तरह के टेस्ट करने का भी मशीन इनके पास में मौजूद है। ब्लड बैंक से शुरू करके सीटी स्कैन, एमआरआई, हर चीज की फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में मौजूद है। 92 बेस हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स और नर्सेस रहते हैं वो इंडियन आर्मी के आर्मी मेडिकल कोर का हिस्सा होते हैं। कारगिल के युद्ध में हजारों सिपाहियों का जान बचाया है यह 92 बेस हॉस्पिटल। कोविड के वक्त भी मिलिट्री पर्सनल्स और उनके फैमिलीज पेशेंट की भी जान बचाई है यह हॉस्पिटल। लेकिन इस पूरे देश में इतने सारे मिलिट्री हॉस्पिटल होने के बावजूद 92 बेस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी इतना ज्यादा क्यों है? इसकी जिम्मेदारी इतना ज्यादा है इसके लोकेशन के वजह से, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी तरह का युद्ध हो, चाहे कोई पीस टाइम ऑपरेशन हो, उसमें घायल फौजियों को ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्टली ले जाया जाता है 92 बेस हॉस्पिटल में। इसने कारगिल जैसे भयानक युद्ध को भी देखा है और जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी पीस टाइम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं उसमें घायल फौजियों को इसी 92 बेस हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ के डॉक्टर्स अपनी जान देकर भी एक फौजी को बचाने की सर्वोच्च कोशिश करते हैं। 92 बेस हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में स्थित होने के कारण और जम्मू कश्मीर एक फील्ड इलाका होने के कारण 92 बेस हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इनफैक्ट 92 बेस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा वॉन्टेड फौजी यहाँ पर भर्ती होते हैं, जिनको गोली लगी है, जिनको इंजुरी हुआ है किसी भी ऑपरेशन के दौरान या फिर ट्रेनिंग के दौरान या फिर वॉर के दौरान। अगर कहा जाए तो इस हॉस्पिटल ने हजारों शहीदों को आखिरी सांस लेते हुए देखा है। इसके दीवारों ने सुना है उजड़े हुए उन फैमिली की चीखें, जो अपने शहीद फौजियों के मुंह से एक बार कुछ न कुछ सुनना चाहते हो। पिछले 70 सालों में हजारों डॉक्टर्स नर्सेस इस हॉस्पिटल में आए, अपना ड्यूटी किए और रिटायर्ड हो गए या फिर ट्रांसफर हो गए, लेकिन पिछले 70 सालों की एक दर्दनाक कहानी बन करके खड़ा है 92 बेस हॉस्पिटल। जैसे बहुत सारे फौजियों को यहाँ से नई जिंदगी मिली है, वैसे बहुत सारे फौजियों को तिरंगे में लिपटा हुआ लाश बनकर यहाँ से निकलना पड़ता है। जब भी 92 बेस हॉस्पिटल से किसी भी फौजी की लाश निकलती है, जब डॉक्टर्स किसी भी फौजी को बचा नहीं पाते हैं, विश्वास कीजिए वो मिलिट्री डॉक्टर्स हैं। उनका दिल भी दर्द से चीख उठता होगा जब वो किसी भी फौजी को आखिरी सांस लेते वक्त देखते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। 92 बेस हॉस्पिटल की बहुत सारे दिल दहला देने वाली, हिला देने वाली कहानियां हैं, जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी उस फौजी को इस हॉस्पिटल ने बचाया है। मिलिट्री के बहुत सारे जाबाज कहानियों को लेकर के आज 92 बेस हॉस्पिटल खड़ा है। अगर आप उन सब कहानियों को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए स्टोरी। बहुत सारे कमेंट्स मिलने पर हम जरूर 92 बेस हॉस्पिटल के बारे में दिल दहला देने वाली कुछ कहानियां आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इंडियन आर्मी के साथ में आप जरूर जुड़ सकते हैं। जय हिंद वंदे मातरम।